शिवनी जिले के घनसौर मुख्यालय पर स्वर्गीय श्री कृष्ण द्वारा मोक्ष धाम शव दाह गृह का निर्माण कराया जा रहा है। सार्वजनिक शव दाह गृह व्यक्तिगत तौर पर बनवा कर ग्राम पंचायत घनसौर के सुपुर्द कर दिया जाएगा। आम जनों के उपयोग के लिए लोकार्पण किया जाएगा। शव दाह गृह के लिए मोक्ष धाम में मिश्रा परिवार द्वारा लकड़ी, पानी, विद्युत और सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था की गई। घनसौर में मोक्ष धाम प्राइवेट जगह पर होने से बहुत दिक्कतें होती थी, इसीलिए मिश्रा परिवार ने ग्रामवासियों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, जिसमें भूमि दान, ग्राम पंचायत निधि, सांसद निधि द्वारा कार्य को पूर्णता प्रदान किया जा रहा है, जिसमें वृक्षारोपण और पर्यावरण का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इस कार्य को पूर्ण करने में मिश्रा परिवार घनसौर समस्त ग्रामजनों व जनप्रतिनिधियों का विशेष सहयोग रहा। घनसौर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत में कौन सी पोस्ट पर हैं? मैं ग्राम पंचायत में अभी वर्तमान में उप सरपंच हूँ जी। और यहाँ पे ये क्या बन रहा है? ये है भाई साहब शव दाह गृह है जी, जो अंत्येष्टि होती है ना जी, उसके लिए ये है जो है एक गृह बन रहा है, मान घर बन रहा है उनके लिए। शव दाह गृह नाम है इसका। तो ये आप अपने व्यक्तिगत व्यय से बना रहे हैं या सरकारी मशीन? नहीं, इसमें जो हमारी एक सोच थी कि हमारे पूजनीय पिताजी स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार जी मिश्रा की याद में हमने यह निर्णय लिया है और यह शव दाह गृह उन्हीं की याद में हम बना रहे हैं। उसे बनाने के बाद हम जो है इसे ग्राम पंचायत को सौंप देंगे। 5 साल पूर्व जब मैं उप सरपंच चुन के आया था तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि घनसौर में मोक्ष धाम नहीं था, हम प्राइवेट लैंड में, जो आप देख रहे हैं बगल में प्राइवेट लैंड में हम जो है अंतिम संस्कार करते थे पूरा गांव जी। तो यहाँ ग्रामवासियों का सहयोग और अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग सब प्रकार से, मैं एक के करने से कुछ नहीं होता। हमने सर्वप्रथम रोड के लिए भूमि दान करवाई, शमशान के लिए हमने भूमि सुरक्षित की और उसके बाद फिर यहाँ जो आप देख रहे हैं चारों ओर जो बाउंड्री वाल है, वृक्ष है, ये जो शेड है, इस सब का अन्य अन्य मतों से शासन से लेके कहीं विधायक, सांसद निधि, पंचायत निधि, तो हम लोगों ने अत्यंत प्रयास करके यह किया। और मेरी सोच थी, मेरा संकल्प था कि 5 साल में कम से कम घनसौर में ऐसा शव दाह गृह, ऐसा मोक्ष धाम बने जिसमें गांव के लोग आते हैं तो उन्हें ऐसा लगे कि नहीं यार, कम से कम जब अंतिम समय में व्यक्ति जहां पहुंचता है तो वहां उसे सुख शांति प्रदान होनी चाहिए। इस हेतु हमने यह जो भी बना, इसके बाद फिर इच्छा हुई क्योंकि शासकीय योजना के तहत जो है वह टीन शेड बनते हैं, शेड बनता है और वो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता। और मेरी इच्छा भी थी कि पूजनीय आदरणीय हमारे जो स्वर्गीय पिता श्री कृष्ण कुमार जी मिश्रा थे, उन्होंने हमें हमेशा उपदेश दिया है और अच्छे अच्छे उन्हीं के संस्कार से यह सब है। हम तो एक माध्यम है ईश्वर का और उनके संस्कार से इच्छा हुई कि इसको बना दें। तो हम करने वाले कुछ नहीं है, बस उन्हीं का संस्कार है जो ये काम आप देख रहे हैं। तो गांव के विकास में किस तरह का सहयोग है आपका? गांव के विकास में हर संभव प्रयास सहयोग में करता हूं और हर प्रकार की मेरी अच्छी सोच रहती है। जैसे गांव यहां पे जो आप देख रहे हैं सड़क नहीं थी पहले, आज के 5 साल पहले मीना गज्जर जी से मैंने निवेदन किया और निवेदन के बाद उन्होंने भूमि दान की। लगभग 485 मीटर की हमें भूमि उनसे प्राप्त हुई, 16x485 मीटर उन्होंने हमको भूमि दान दी। उसमें हमने फिर पंचायत निधि से रोड भी बनवाई है और निरंतर मैं प्रयास विकास के लिए करता हूँ। और मेरा तो यही धैर्य है कि लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। और आपको बता दूँ, जैसे आपने अभी मेरे से प्रश्न किया कि ग्राम के विकास में आपका क्या सहयोग है, तो राम मंदिर के पीछे लगभग 20 साल से मांग चल रही थी धर्मशाला की जी, तो उसमें मैंने प्रयास कर और सबके सहयोग से वो भूमि की बात की और उसमें हमने भव्य जो है शासकीय मत से भव्य धर्मशाला का निर्माण किया है जिसका प्रयोग सभी लोग कर रहे हैं और सब लोगों में प्रसन्नता है। तो मैं निरंतर प्रयासरत रहता हूँ, जो भी जैसे काम आते हैं तो करते रहता हूँ और सबका सहयोग भी प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि करने से कुछ नहीं होता, सहयोग भी सबका निरंतर प्रयास मिलता है। नहीं नहीं, ये पूर्णतः व्यक्तिगत है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि यह जो शव दाह गृह बनाया जा रहा है
राशि भले ही हम स्वयं की लगा रहे हैं लेकिन यह पूर्णतः सार्वजनिक है। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, जिस दिन शवदाह गृह बनकर निर्मित हो जाएगा पूर्णतः, उस दिन यह ग्राम पंचायत घनसौर को सौंप दिया जाएगा और उसका संचालन ग्राम पंचायत घनसौर करेगी। और मैं आपको बता दूंगा, शवदाह गृह के अलावा मैं सामने जो जगह पड़ी है, हमारा परिवार, हम दोनों भाई जो है उसमें चौकी भी बनवा रहे हैं। चौकी प्लस शवदाह दोनों बना के हम ग्राम पंचायत घनसौर को सौंप देंगे। ग्राम पंचायत घनसौर द्वारा मेरे द्वारा प्रस्ताव भी ग्राम पंचायत में करवा लिया गया है। यहाँ पर एक चौकीदार की व्यवस्था रहेगी, यहीं पर लकड़ियों की व्यवस्था रहेगी। आपको मैं बता दे दूँ कि यहाँ हमने विद्युत का खंभा लगवा लिया है, मीटर भी यहाँ पर आप देखेंगे लग चुका है। यहीं हम जो है बोर, हम लोगों के इसी पंचवर्षीय कार्यकाल में बोर भी हुआ है, तो हम चाह रहे हैं यहाँ टंकी रखेंगे, जिसमें क्या है हमारे घनसौर में नहाने की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है, तो जितने लोग आते हैं तो काफ़ी परेशान होते हैं, तो यहाँ हम एक टंकी भी रखवाएंगे। और यहाँ चौकी जो है हम स्वयं के व्यय पे चौकी बनवा रहे हैं, चौकी के ऊपर एक टंकी रखेगी, बाजू में नहाने के लिए हम बाथरूम वगैरह की व्यवस्था करेंगे, पीने का नहाने का पानी यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। और आपको मैं बता दूं, जो चौकीदार रहेगा वो यहाँ पर तैनात पूरे समय रहेगा, किसी भी समय अगर कोई घटना होती है तो यहाँ पूर्णतः व्यवस्था कर दी जाएगी, लकड़ी के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरा यह प्रयास रहेगा और पूरी ग्राम पंचायत भी मेरी बात से सहमत है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ बगल में एक कमरा जो आप देख रहे हैं, जो पुराना अंत्येष्टि जहाँ होती थी माने शवदाह गृह है, उसमें हम सोच रहे हैं कि उसको विधिवत बना के उसमें लकड़ियाँ रखवाएंगे। जो भी व्यक्ति आए तो यहीं पर जो भी राशि पंचायत में जमा करेगा जो भी है, और यहीं से लकड़ियाँ उपलब्ध करके कार्यक्रम करेगा। और यह पूर्णतः सर्व लोग माने सभी के लिए है, इसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।